हेलो, सब लोगों को नमस्कार। ये हेलो नमस्कार, मैं जन सरोकार मंच टोंक में आप लोगों का स्वागत है। इस मंच पर आयोजक देवेंद्र जी जोशी की मैं बहुत आभारी हूँ, उन्होंने ये मौका मुझे दिया। मैं अपना परिचय दे दूँ आप लोगों को। मेरा नाम एस भाग्यम शर्मा है, मैं जयपुर में रहती हूँ। कहानियाँ, लेख, बाल साहित्य आदि लिखती हूँ। समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाएँ, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और अपना नवज्योति, और इन पत्रिकाओं में इसके अलावा भी कथा, आदेश, सरिता सब में छपते रहते हैं। मेरी 10 पुस्तकें आ चुकी हैं और अब जो है मैं तमिल से अनुवाद करती हूँ। अब राजस्थान के लोगों को तमिल का साहित्य के बारे में जानकारी नहीं थी, तब मैंने सोचा कि उनको जानकारी देनी चाहिए, इसीलिए मैंने तमिल साहित्य में अनुवाद करना शुरू किया। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। मैं बेसिकली तमिलनाडु को बिलोंग करती हूँ और 50 वर्ष से जयपुर में शादी के बाद रह रही हूँ। पहले तो साहित्यिक गोष्ठियाँ वगैरह होती थी जिसमें हम लोगों का आना जाना होता रहता था और विभिन्न गोष्ठियों में हम लोग शामिल होते रहते थे, परंतु लॉकडाउन के कारण कार्यक्रम जो है ये कार्यक्रम रद्द हो गए। अब आयोजकों ने ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया, अतः आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, यह बहुत बढ़िया बात है। लॉकडाउन से परेशानियां तो अपनी जगह है, इसमें नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्या करना पड़ेगा। आप और इस समय का फायदा उठाकर मैंने भी 9 उपन्यासों का तमिल से हिंदी में अनुवाद किया, जो मातृभारती में और किंडल में ऑनलाइन है, जो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। आजकल एकल परिवार है, आप लोग आए हैं क्या, जुड़े हैं मेरे साथ, मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा है, मुझे नहीं पता है, इसमें लग रहा है आपसे स्लाइड हो गया, स्लाइड हो गया, क्या आ रही है, आजकल एकल परिवार है, पति पत्नी दो बच्चे और उसमें माँ बाप के लिए जगह नहीं है। ये हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। इस पर आधारित एक कहानी दिशाहीन रिश्ते मैं आपको सुनाती हूँ। दिशाविहीन रिश्ते में ये जो है एक ही बेटा होता है उनका, तो इसकी कहानी है, तो इसे आप लोग सुनिएगा। देशी घी की खुशबू धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई। पूर्णिमा पसीने को पोंछते हुए बैठक में आकर बैठ गई। क्या बात है पूर्णी, बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बना रही हो, काम खत्म हो गया या कुछ और बनाने वाली हो। सब खत्म हुआ समझो, थोड़ी सी कचौड़ी बनानी है बस, उन्हें भी बना लूं। मुझे एक कप चाय मिलेगी, बेटा बहू आने की खुशी में क्या मुझे भूल गई है। ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है नोटिफिकेशन, तो इसको चलो करो
मुझे एक कप चाय चाहिए, बेटा बहू आने की खुशी में क्या मुझे भूल गई हैं, उसके पतिदेव पूछते हैं रमाकांत जी। प्रोफेसर रमाकांत जी की पत्नी को व्यंग्यात्मक लहमे से पूछ रहे हैं, मेरा मजाक उड़ाए बिना तुम्हें चैन कहाँ मिलेगा। हंसते हुए पूर्णिमा अंदर चाय बनाने चली गई। 65 साल के रमाकांत जी जयपुर में एक प्राइवेट कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर थे। इंदु को अपनी प्राइवेसी चाहिए कहकर जिस भरत ने अम्मा व इंदु के साथ न रह पाने की बात कही, आज वही भरत अम्मा के साथ कल तक तो ठीक तरह चला गया था, अब आया ना देखा। मीनाक्षी भी आ गई, ऋतु आई है, कल्पना जी, मनोज वार्ष्णेय जी, नीलिमा टिक्को जी, आप लोगों का बहुत खुशी की बात है। मैं पता नहीं क्यों इसमें नोटिफिकेशन ठीक नहीं आ रहा था, अभी फिर बंद हो गया। इसी को करूं क्या, पता नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है। अब 65 साल में रमाकांत जी जयपुर के एक प्राइवेट कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर थे। इंदु को अपनी प्राइवेसी चाहिए कहकर जिस भरत ने अम्मा व इंदु के साथ न रह पाने की बात कही थी, तो आज वही अम्मा से साथ रहने के लिए क्यों कह रहा है। क्या इसमें छिपी थी उस कोई मजबूरी या था कोई स्वार्थ। पत्नी पूर्णिमा उनसे 6 साल छोटी थी। उनका इकलौता बेटा भरत कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद न्यूयॉर्क में नौकरी कर लाखों कमा रहा था। भरत छुटपन से महत्वाकांक्षी और होशियार था। परिवार की सामान्य स्थिति को देख उसे एहसास हो गया था कि उसका अच्छा कमाने से ही परिवार की हालत सुधर सकती है। यह सोच कर हमेशा पढ़ाई में जुटा रहता था। उसकी मेहनत का ही नतीजा था कि 12वीं में अपने स्कूल में प्रथम और प्रदेश में 3रा स्थान प्राप्त किया था। रमाकांत जी की माली हालत कोई खास अच्छी न थी। भरत को कॉलेज में भर्ती करवाने के लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया था, पर किताबें, खाना पीना सबके खर्चे इतने थे कि उन्हें और भी कई जगह कर्जा लेना पड़ा। उसे आखिरकार उन्होंने एक छोटा सा मकान था जिसे उन्हें बेचना पड़ा और बेचकर कर्ज लेना पड़ा। कुछ गड़बड़ है वैसे, समझ में नहीं आ रही है। भरत ने अच्छे अंकों में इंजीनियरिंग कर ली थी और जयपुर में ही 2 साल उसे ट्रेनिंग के लिए और बाद में कंपनी वालों ने न्यूयॉर्क भेज दिया। विदेश में बेटे को खाने पीने की तकलीफ ना हो सोचकर जल्दी से गरीब घर की लड़की देख बिना दान दहेज के साधारण ढंग से उनकी शादी कर दी। तुरंत शादी के कारण अब तक थोड़ी जमा पूंजी थी, वह भी शादी में खर्च हो गई। बहू इंदु गरीब घर की थी। उसके पिता एक होटल में रसोईया का काम करते थे। इंदु सिर्फ 12वीं तक पढ़ी थी, एक छोटी सी संस्था में नौकरी करती थी। उसकी 3 बहनें और थी जो पढ़ रही थी। रमाकांत जी उनकी पत्नी सिर्फ यही इच्छा थी कि गरीब लड़की का ही हमें उद्धार करना है। इसको बुलाना एक मिनट।
आयुषी एक मिनट, इसको है ना ये मुंह भी हो रहा है और ये सब कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा कैसे है। ये कुछ गड़बड़ था उसमें। रमाकांत जी और उनकी पत्नी की तो सिर्फ यही इच्छा थी कि गरीब लड़की का ही हमें उद्धार करना है और दान दहेज की कोई इच्छा ना थी। उन्होंने साधारण शादी कर दी थी। शादी होते ही अगले हफ्ते दोनों न्यूयॉर्क चले गए। शुरू शुरू में कविता जी नमस्कार, और शुरू शुरू में फोन बेटे का और बहू से बात होती थी, फिर महीने में एक बार, फिर छः महीने में एक बार होती जाती। बेटे की आवाज़ सुनकर, उनकी खैरियत जानकर उन्हें तसल्ली हो जाती थी। न्यूयॉर्क जाने के बाद भरत ने एक बार भी घर रुपए नहीं भेजे। पहले मैंने पगार मिलते ही फ़ोन पर बोला, बाबूजी यहाँ घर के फर्नीचर लेने आदि में बहुत खर्चा हो गया है, यहाँ बिना कार के रह नहीं सकते, एक दो महीने बाद पैसा भेजूँगा। इस पर रमाकांत जी बोले, बेटा तुम्हें वहाँ जो चाहिए उसे ले लो, यहाँ हमें पैसों की ज़रूरत ही क्या है, हम दो जनों का थोड़े में अच्छा गुजारा हो जाता है, हमारी फिक्र मत करो। उसके बाद भरत ने पैसे की कोई बात नहीं हुई। रमाकांत जी व पूर्णिमा दोनों ही इस बात को कोई गिला शिकवा नहीं था। बेटे ने पैसे नहीं भेजे, बेटा खुश रहें, यही उन्हें चाहिए था। थोड़े से ही में उन्होंने गुजारा कर लेते थे। दो साल बाद बेटे ने मैं जयपुर जाऊंगा फ़ोन पर बताया तो पूर्णिमा की खुशी का ठिकाना ना रहा। पूर्णिमा ने फ़ोन पर भरत अक्सर बात करता था और अम्मा यह जगह बहुत अच्छी है, बड़ा घर है, बगीचा है, बर्तन मांजने के लिए कपड़े धोने की मशीनें भी है, आप और बाबूजी दोनों आकर हमारे साथ रही रहो, और वहाँ पर क्या है, हमारे बाबूजी तुम्हारे बाबूजी सेवानिवृत्त होने के बाद जयपुर में अपनी हिंदी सिखाने का एक केंद्र खोल रखा है बेटा, जिसमें विदेशी और गैर हिंदी भाषी लोग हिंदी सीखते हैं, उसे छोड़कर बाबूजी आएंगे मुझे नहीं लगता, तुम जयपुर आओ इस बारे में सोचेंगे, अक्सर पूर्णिमा का यही जवाब होता। बेटे के बार बार कहने पर पूर्णिमा के मन में बेटे के पास जाने की इच्छा जागृत हुई। वे हमेशा पति से इस बारे में बातें करने लगी। एक महीना तो कम से कम हमें भी बेटे के पास जाना चाहिए। अब जब बेटे के आने का समाचार मिला तो खुशी के चलते उनके हाथ पैर ही नहीं चलते थे। हमेशा एक ही बात मन में रहती, बेटा कब ले जाएगा। भरत जिस दिन आने वाला था उस दिन उसे हवाई अड्डे जाकर लेकर आने में की बड़ी इच्छा थी पूर्णिमा की कि मैं जाके लेके आऊँ, परंतु भरत ने कहा, माँ आप परेशान मत हो, क्लियरेंस होने से बहुत समय लगेगा, इसीलिए हम जो है खुद ही आ जाएंगे। इसके ऐसे कहने के कारण पूर्णिमा उसका इंतज़ार करते करते घर के अंदर और बाहर चक्कर लगा रही थी। सुबह से बिना खाए पिए दोनों को इंतज़ार करते करते शाम हो गई। शाम 4 बजे करीब भरत और बहू आए, आरती कर उन्होंने उन दोनों को अंदर लिया। बच्चों को पूर्णिमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। बेटा बहू अब भी और गोरे और सुंदर दिख रहे थे। रमाकांत जी बोले, सुबह से अम्मा बिना खाए तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, आओ बेटा पहले थोड़ा सा खाना खा ले। नहीं बाबूजी
हम इंदु के घर से खाकर आ रहे हैं। अम्मा आप अपने हाथ से मुझे अदरक की चाय। ये समाप्त हो गया भाई। नहीं हेलो, हाँ इंटरनेट की कोई खराबी हो गई थी। आगे मैं पढूं? अब अम्मा सुबह से कुछ भी नहीं खाई है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। आओ बेटा पहले थोड़ा सा खाना खा लें। नहीं बाबूजी, हम इंदु के घर में खाकर आ रहे हैं। अम्मा आप अपने हाथ से मुझे अदरक की चाय बना कर दे दो, वही बहुत है। तब दोनों का ध्यान गया कि उनके साथ सामान वगैरह कुछ नहीं है। इंदु ने हाथ में पकड़े जो है हाथ में जो एक थैला लेकर आई थी और उनके पास कोई सामान नहीं था। तब उसमें जो थैला था उसमें भी चॉकलेट, साड़ी, ब्लाउज और कपड़े के कुछ टुकड़े ही थे। पूर्णिमा का दिल बुझ गया। बड़े चाव से बनाए गए खाना यूं ही ढका हुआ था। चाय पीकर थोड़ी देर भरत बोला, ठीक है बाबूजी, हम कल आते हैं। हम इंदु के घर ही ठहरे हैं, महीने भर की छुट्टी है। कहते हुए चलने के लिए खड़े हुए भरत को इंदु शब्दों में शहद घोलते हुए बोली, माँ जी आपने हमारे लिए इतने प्यार से खाना बनाया है, फिर भला कैसे न खाएं। फिलहाल भूख नहीं है, पैक कर कर साथ ले जाती हूँ। और सास के बनाए हुए पकवानों को समेट कर बड़े अधिकार के साथ पैक कर दोनों मेहमानों की तरह चले गए। रमाकांत पूर्णिमा एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। रमाकांत जी पत्नी के सामने अपना दुख जाहिर नहीं करना चाहते थे, पर पूर्णिमा तो उनके जाते ही मन से टूट बड़बड़ाने लगी। कितने लाड़ प्यार से पाला था अपने बेटे को, क्या इसी दिन के लिए? ऐसा आया जैसे कोई बाहर का आदमी आकर आधा घंटा बैठकर चला गया। कहते हुए पूर्णिमा के आंसू बह निकले। रमाकांत जी पूर्णिमा के सिर पर हाथ फेरते हुए तसल्ली देते हुए कोशिश करने लगे। दिल भरे दर्द में उनकी आंखें गीली हो गईं, लेकिन अपना दर्द जबान से व्यक्त कर पूर्णिमा को और दुखी नहीं करना चाहते थे। रमाकांत जी के पत्नी कई तरह से आश्वासन देकर मुश्किल से खाना खिलाया। दो दिन बाद भरत फिर आया। उस दिन पूर्णिमा जब अपने उसके लिए चाय बनाने रसोई में गई, तब अकेले में बाबूजी से बोला, बाबूजी इंदु को अपनी माँ को न्यूयॉर्क ले जाकर साथ रखने की इच्छा है। उसकी माँ ने छोटी उम्र से ही परिवार बच्चे में रहकर बड़े कष्ट पाए हैं, इसीलिए अब हम उन्हें अपने साथ न्यूयॉर्क लेकर जा रहे हैं। आप सब बातें अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अम्मा को समझाना अब आपकी जिम्मेदारी है। फिर इंदु को न्यूयॉर्क में अकेले रहने की आदत हो गई है, आप व माँ वहाँ हमेशा रह नहीं सकते। इंदु को अपनी प्राइवेसी चाहिए, अम्मा व इंदु साथ नहीं रह सकते। बाबूजी आप वहाँ आए तो कहीं इंदु के साथ आप दोनों को नहीं बने तो इसका मुझे डर है, इसीलिए आप दोनों को मैं अपने साथ रखने में हिचक रहा हूँ। आप मेरी स्थिति अच्छी तरह समझ गए होंगे, वह बोला। रमाकांत जी बोले, बेटा मैं हर बात समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ तुम्हें मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। रही बात तुम्हारी माँ की, तो उसे कैसे समझाना है अच्छी तरह जानता हूँ। बोलते हुए रमाकांत जी सारे रिश्ते
बेमानी से लगने लगे। इसके बाद भरत न्यूयॉर्क से रवाना होने में 5 मिनट के लिए विदा हो गए। उस रात पूर्णिमा रमाकांत जी के कंधे पर लगकर खूब रोई। क्यों जी, क्या कोई एक नहीं है जो अपने बेटे का सुख के लिए, कुछ दिन बिताने के लिए बेटे के पास जाने की इच्छा रखना, आशा रखना? क्या आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम है। मैं इसके बाद जिस दिन भरत इंदु न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए उस दिन 5 मिनट के लिए विदा लेने आए। उस रात पूर्णिमा रमाकांत के कंधे से लगकर खूब रोई। क्योंकि क्या हमें कोई हक नहीं है अपने बेटे के साथ सुख से कुछ दिन बिताने का, बेटे के कुछ आशा रखना? क्या माता पिता का अधिकार नहीं है? क्या मैंने अपनी शादी करने के बाद किसी भी बात की इच्छा जाहिर की? परंतु अपने बेटे के विदेश जाने के बाद सिर्फ 1 महीना वहाँ जाकर रहूं, यही इच्छा थी, वह भी पूरी नहीं हुई। पूर्णिमा रोते रोते बोली जा रही थी। रमाकांत जी यही सोचकर मन को तसल्ली दे रहे थे, शायद उनके प्यार में, परवरिश में कोई कमी रह गई है, वरना भरत तो थोड़ा सा माँ के प्यार में कुछ कमी रह गई है। क्या बार बार तो फोन आ रहा है यार तुम्हारा, मीनू कहा क्या मैंने अपनी शादी के बाद कभी कुछ मांगा है क्या? ऐसे वो बोलने लगती है ना, तो परवरिश की कमी रह गई है, वरना भरत थोड़ा सा उनके बारे में सोचता हूँ माँ के प्यार का कुछ भी प्रतिकार देता। इस प्रकार 2 महीने बीत चुके और इस बीच इंदु ने भरत को बताया कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने कहा तुम गर्भवती हो। अभी भरत कुछ बोलने की कोशिश ही कर रहा था कि इंदु फिर बोली, शायद इसीलिए कुछ दिनों से मुझे तरह तरह के खाना खाने की बहुत इच्छा हो रही है। इधर मेरी अम्मा कहती है कि मैं 1 महीना तुम्हारे पास रही, अब बहनों और पिता को छोड़कर नहीं आ सकती, मुझे तरह तरह की व्यंजन बनाना भी नहीं आता, अब मैं क्या करूं? तो हम एक खाना बनाने वाली रख लेते हैं, यहाँ राजस्थानी खाना बनाने वाली तो मिलेगी नहीं, तुम्हारी माँ को बुला लेते हैं, प्रसव होने तक यहीं पर रख लेंगे, मेरी पसंद का खाना भी बनाकर खिला देंगी। पिताजी 1 महीने के लिए तो आ सकते हैं, उन्होंने जो छोटा सा हिंदी सिखाने का संस्था खोल रखी है, केंद्र खोल रखा है, वह किसी दूसरे आदमी को रख कर, परंतु उसे बाद में पूरा नहीं करने से इंदु ने कहा उन्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, वहाँ आपकी माँ ही आए तो ठीक है। मतलब पिताजी को बुलाना नहीं चाहती थी, सिर्फ माँ ही आए, क्योंकि खाना तो माँ को ही बनाना है ना, तो उन्होंने ऐसे कहा। तो उस पर उन्होंने बोला तुम ही ने कहा था कि हमें प्राइवेसी चाहिए, वे यहाँ आए तो ठीक नहीं रहेगा, अब वैसे भी उनसे मुंह में आने के लिए मैं किस मुंह से आने के लिए कहूँ, वह सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ को यहाँ आने के लिए बहुत इच्छा हो रही थी, आप फोन करो मैं बात करती हूँ। इंदु की बातें भरत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई,
बोली, ठीक है, डॉक्टर ने एक अच्छी खबर दी है, चलो हम बाहर जाकर खाना खाने चलते हैं, फिर अपन समस्या का हल देख लेंगे। वे लोग एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ थोड़ी भीड़ थी। वे सामने के बगीचे में जाकर घूमने लगे। उन्होंने देखा कि बेंच पर एक बुजुर्ग बैठे हैं। दूर से भरत को वे बाबूजी दिखाई दिए। बाबूजी जैसे लगे तो उन्हें लगा ही बाबूजी कैसे लगे। तब उन्होंने भरत जब पास गया के देखा तो दंग रह गया, तो ये तो वे ही हैं बाबूजी। उसके मुंह से आवाज़ निकली, रमाकांत जी पीछे मुड़कर देखा। एक बार तो वे भी हैरान रह गए। अरे भरत बेटा, तुम बाबूजी, आप यहाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबूजी बोले, देखो वहाँ अपना क्वार्टर है, वहाँ चलें। रमाकांत जी आगे चले, पीछे वे दोनों बिना बोले चल दिए। घर का दरवाज़ा पूर्णिमा ने खोला। रमाकांत जी के पीछे खड़े भरत और इंदु को देखकर हैरान रह गई, फिर खुशी से भरत को गले लगा लिया, दोनों का खुशी से स्वागत किया। जयपुर में तुम्हारे पिताजी के केंद्र हिंदी सिखाने के लिए खोल रखा है, वहाँ उनके एक विदेशी शिष्य ने न्यूयॉर्क में हिंदी सिखाने के लिए कहकर हम लोगों को यहाँ पर ले आया। यह संस्था उसी शिष्य ने खोली है। क्या सुविधाएं दी? तो वो सब वो सुविधाएं उन्होंने ही दी है, और बाबूजी वहाँ केंद्र को, अपने जयपुर के केंद्र को अपने शिष्य को सौंप कर आ गए। तुम्हारे बाबूजी ने भी कहा कि हमारे जयपुर में कौन है, अतः हम जो है यहीं पर काम करें या वहाँ, बात तो एक ही है। यहाँ पर 1,00,000 रुपए भी मिलेगा, और जल्दी जल्दी सब कुछ कह दिया पूर्णिमा ने। अम्मा, तुम्हारी बहू गर्भवती है, उसी के लिए उसे नई नई चीज़ें खाने की इच्छा होती है। अब तुम्हारे माँ तो यहाँ उसकी नहीं आ सकती, तो आप दोनों ही प्रसव तक हमारे साथ रहें तो अच्छा है। वह तो नहीं हो सकता बेटा, बाबूजी का यह केंद्र सुबह व शाम खुलेगा, उसके लिए यहाँ रहना ही जो है सुविधाजनक रहेगा। अम्मा, बाबूजी नहीं आए कोई बात नहीं, आप तो आइएगा। नहीं बेटा, उनकी उम्र हो चली है, उनको देखना मेरा पहला कर्तव्य है। यही नहीं, मैं भी भारतीय व्यंजन बनाकर केंद्र के बच्चों को देती हूँ, इसका मुझे लाभ तो मिलता ही है, साथ में बच्चों के बीच में रहने की आत्मसंतुष्टि भी मिलती है। चाहो तो तुम दोनों यहाँ आकर रहो, तुम्हें जो चाहिए मैं बनाकर दे दूंगी। नहीं माँ, यहाँ का क्वार्टर छोटा है, भरत खींचने लगा। हाँ ठीक है, यहाँ तुम्हें प्राइवेसी नहीं मिलेगी, वही मैं भूल गई थी। ठीक है बेटा, मैं रोज उसकी पसंद का खाना बना दूंगी, तुम आकर ले जाना। नहीं अम्मा, मेरा ऑफिस एक तरफ, दूसरी तरफ ये केंद्र है, मैं तो नहीं आ सकता। अम्मा बड़ा मुश्किल है भरत, अब तक हम दोनों ने तुम्हारे लिए जिए, पेट काट कर तुम्हें बड़ा किया, अच्छी स्थिति में लाए, पर शादी होते ही हम तुम्हारे लिए बेगाने हो गए। रमाकांत जी ने कहा, खून के रिश्ते से दुखी हम तो क्या हुआ, हालात ने नए रिश्ते बना दिए, अब इस रिश्ते को हम नहीं छोड़ सकते, पर तुम जब चाहो तब आ सकते हो, इससे तो बन पड़ेगा तुम्हारे लिए हम करेंगे। तुम्हें जो सहूलियत हो वह करो, खाना तैयार है, अपने आप लेकर खा लो, मुझे आने में 1/2 घंटा लगेगा, कहकर पूर्णिमा दुकान की तरफ चली गई। माँ बाप के प्रेम को महसूस न कर पत्नी के स्वार्थ, अब प्रेम के लिए तड़पने वाले भरत को आराम कुर्सी में लेटे हुए
पिताजी को आंख उठाकर देखने में भी शर्म आ रही थी। इंदु भी शर्मसार हो खड़ी थी। दोनों भारी मन के साथ घर के बाहर निकलने लगे। रमाकांत जी एक बारी भरत से कुछ कहने को चाह उठे, लेकिन आंखों के आगे चलचित्र की तरह पुरानी सारी बातें तैरने लगी। पैर वहीं थम गए। भरत के पीछे मुड़कर देखा, शायद बाबूजी उसका अपना फैसला बदल दें, पर उस कुछ कहेंगे। लेकिन आज उनकी आंखों में कुछ और ही कह रही थी। इन सब के लिए कसूरवार वह खुद ही था। भरत का गला रुंध गया। बाबूजी के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगने के भी काबिल वह नहीं रहा। ये थी मेरी दिशाविहीन रिश्ते। अब मैं जो है आपको एक और कहानी सुनाती हूँ, जो है 10 महीने का मोह। जैसे कि आप लोग को पता है किराए की जो है खोक, धीरे धीरे आई कार एक छोटे से मकान के सामने आकर खड़ी हुई। कार से धीरे से उतरी शालिनी, बड़ा सा पेट, मातृत्व के बोझ से परिपूर्ण। आपको डॉक्टर साहिबा ने 2 घंटे में वापस आने के लिए कहा है, आकर जल्दी आ जाइए। ड्राइवर के कहने पर शालिनी ने सिर हिलाकर अंदर चली गई। अम्मा आ गई, हर्षित दौड़कर शालिनी के पैरों से लिपट गया। आवाज सुन रसोई से श्रीकांत बाहर आया। शालिनी आओ आओ बैठो, तबीयत कैसी है? अभी मैंने सब्जी बनाकर रखी है, वे अच्छी तरह तुम्हारी देखभाल करते हैं? प्रेम से पूछते हुए पत्नी के पास आया श्रीकांत। आपकी नौकरी का क्या हुआ? मिल को पुलह खोलने वाले थे, अभी खुला कि नहीं? शालिनी ने पूछा। बातचीत चल रही है शालिनी, निश्चय ही 1 महीने में खुल जाएगी, ऐसा सुपरवाइजर कह रहे थे। जो नौकरी चली गई थी वह अब दोबारा मिल जाएगी, फिक्र मत करो। अभी चिंता करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बहुत सी बातें सोच सोच कर मन खराब मत करो, शांति से रहो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, मेरे लिए यही ज़्यादा जरूरी है। मुझे क्या है जी, मैं तो अच्छी तरह से हूँ, रोजाना बढ़िया तरह तरह के स्वास्थ्यप्रद खाना मिलता है, समय पर दवाई गोलियाँ, बहुत अच्छी तरह देखभाल हो रही है मेरी। मेरा मन तो घर के इर्द गिर्द घूमता है। हर्षित ने खाना खाया या नहीं? आप अकेले कितना परेशान होते हो, यह सोचकर मेरा मन जो है बड़ा तड़पता है। फिक्र मत करो शालिनी, तुम्हारे प्रसव में थोड़े दिन ही तो बाकी हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मा तुम कब आओगी? 5 साल के बच्चे हर्षित ने पूछा तो शालिनी की आंखें नम हो गई। वह बोली, पापा का कहना मानो बेटा, तुम राजा बेटा हो, अच्छे बनकर रहो, अम्मा जल्दी आ जाएगी। अच्छा मैं चलती हूँ। ठहरो शालिनी, खाना बन गया, एक रोटी तो खाकर जाओ। नहीं जी, बाहर कुछ भी खाने के लिए सख्त मना है, अभी तो सिर्फ बच्चे से मिलने आई हूँ। इसके लिए डॉक्टर साहिबा से बहुत अनुरोध करके आई हूँ, हर्षित का पूरा ध्यान रखना जी, मैं चलती हूँ। कमरे की खिड़की से शालिनी ने बाहर झांका। अस्पताल में लोग बहुत ही चिंताओं से घिरे हुए इधर उधर आ जा रहे थे। नीम के पेड़ की हवा के कारण बाल बार बार उड़कर चेहरे पर आ रहे थे। पेट के अंदर बच्चा जोर जोर से लात मार रहा था, उसका शरीर रोमांचित हो रहा था। वह बुदबुदाने लगी, मेरे खून से पलने वाले मेरे प्यारे बच्चे, तू बहुत ही भाग्यशाली है। तेरा जन्म भले ही इस गरीब माँ की खोक से हुआ हो, पर तेरे लिए आगे ऐश और आराम की जिंदगी
स्वागत के लिए खड़ी है। उसका मन बहुत ही उदास हो रहा था। उसने पेट पर हाथ फेरा और आंखें बंद कर ली। शालिनी, क्या खड़ी खड़ी ही सो रही हो? खाना लेकर आई हूँ, खा लो। नर्स के कहने पर शालिनी ने आंखें खोली, बोली, रख कर जाओ, बाद में खा लूँगी, अभी भूख नहीं। क्या कह रही हो, भूख नहीं? तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर से कहूँ क्या? नर्स घबरा कर पूछी। नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, सोचा कुछ देर बाद खा लूँगी। ठीक है, अभी खा लेती हूँ। ठीक है, खा लो। खाने के बाद तुम्हें दवाइयाँ और गोलियाँ देनी हैं। खाना खाकर आराम करो। शाम को 4 बजे बरामदे में चलना भी तो है, ऐसा जैसे कि डॉक्टर ने कहा है। मैं तुम्हें लेने आऊँगी। सब्जी, रोटी, कढ़ी, सूप, फलों का रस, सलाद, खीर आदि से थाली भरी थी। वह सोचने लगी, जब हर्षित होने वाला था मुझे सिर्फ सूखी रोटियाँ नसीब में थी। अब देखो रोज दावत जैसे थाली में नाना व्यंजनों से भरा है। डॉक्टर शाम को चेकअप के लिए आया। सब कुछ नॉर्मल है शालिनी, कोई भी परेशानी नहीं। क्या तुम बच्चे का हिलना डुलना महसूस कर रही हो? हाँ जी डॉक्टर साहब, बच्चा बहुत ही चंचल है। दंपति को उस पति क्या बात है शालिनी, मेरे घर में पल रहे बच्चे के माँ बाप से मैं एक बार मिल सकती हूँ? तुम ऐसा क्यों चाहती हो शालिनी, इसकी क्या जरूरत? तुम किराए की माँ हो और बीच 10 महीने में उठाकर सिर्फ उसे पैदा कर देने वाली इसके लिए रुपए लेकर अलग हो जाना चाहिए, इससे तुम्हें मिलता है तो ऐसा सोचना गलत है। वे तुम्हारे साथ मिलना पसंद नहीं करेंगे, ना इस बात के लिए वे राजी होंगे। वे तो तुम्हारे क्रियाकलापों पर अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान रख रहे हैं। फिर क्या बात है शालिनी, शांति से रहो। सुबह से शालिनी की तबीयत खराब हो रही है। नहीं हो रहा, क्रियाकलापों में अप्रत्यक्ष रूप से क्या करूं, मेरा बच्चा बाहर आने वाला है और कोई संबंध नहीं, सब है वह जिसके भार से मैंने महीना वह किया है। इस वजह से मेरे मन में मातृत्व की जो भावना है इसका किसी को भी ख्याल नहीं। मेरे पति से मेरा मन कर रहा है। प्रसव का मतलब एक औरत का पुनर्जन्म है, होता है। मेरा दूसरा जन्म होते समय आप मेरे पास नहीं होंगे, मैं क्या करूं? कमर दर्द धीरे धीरे बढ़ता चला। हेलो, हाँ बोलूं मैं? उसके पति को मिलने की बड़ी इच्छा है पर ऐसा नहीं हो रहा है। उसके कमर में धीरे धीरे दर्द बढ़ता जा रहा है। अम्मा करके शालिनी ने कमर पकड़कर वह पलंग के पास आकर बुलाने के लिए उसने घंटी दबाई। घंटी बजी तो प्रसव के लिए कमरे में डॉक्टर और नर्स आ गए। भयंकर दर्द होने लगा और हाँ आप तुरंत आ जाइए, प्रसव पीड़ा हो रहा है और थोड़ी देर में बच्चा हो जाएगा, डॉक्टर फोन पर कह रही थी। उसे लगा कहीं कुएं में बोल रही हो। आधे होश में शालिनी ने सुना अम्मा करके जोर से चिल्लाते ही उसके बच्चे की अम्मा करके जोर से चिल्लाते कोमल बच्चे की बार आई। कानों में मिश्री घोलने के साथ शरीर और मन को भी सुकून देने लगा। शालिनी बेहोश होने लगी। जैसे ही उसने आंखें खोली कमरे में अपने को लेटा पाया। पास में श्रीकांत व बेटे हर्षित को खड़ा देखा। आप आ गए क्या? बड़ी उत्सुकता से उसकी आंखें पास खड़े हुए झूले के पास गई। क्यों जी बच्चा, बार बार नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। क्यों जी बच्चा, बच्चा कहाँ है? कमरे में घुसते ही डॉक्टर ने पूछा। सब ठीक है, इस तरह संपन्न हो गया, सुंदर सा लड़का हुआ है, उसकी आंखें सुंदर, रंग गोरा है, बिल्कुल गुलाब के फूल जैसा, उसके माँ बाप बहुत खुश हैं,
जो समझाता हुआ उससे ज़्यादा रुपए देकर गए हैं। श्रीकांत को रुपए देते हुए, डॉक्टर मुझे बच्चे को देखना है, मुझे दिखाइए। नहीं शालिनी, प्रसव होते ही एक घंटे के अंदर वे लोग बच्चे को लेकर चले गए, तुम देख नहीं सकती। 10 महीने पेट में रखकर बाहर उठाया, उस बच्चे के मुख को मैं देख नहीं सकती, 1 मिनट उस बच्चे को देख नहीं सकती, 1 मिनट इस बच्चे को गोद में लेकर अपने बेटे को चूम नहीं सकती, ये अधिकार भी मुझे नहीं है। मेरा उनका रिश्ता जो सिर्फ 10 महीने का ही है। सोच सोच कर उसका रोना रुकता नहीं था। डॉक्टर, मैंने 10 माह जिस बेटे को रखा, चेहरे को मैं देखना चाहती हूँ। 10 महीने मैंने पेट में मेरे खून से जिसे सींचा, उसे सिर्फ एक बार उठाकर चूमना चाहती हूँ। डॉक्टर, मेरे दर्द को समझो, आप कृपा कर उसे मुझे दिखाइए। डॉक्टर, शालिनी का दिल फटने लगा, वह रोने लगी। माँ, मेरा छोटा भाई कहाँ है? बिना समझे हर्षित बोला। रो मत शालिनी, तुम्हारी हालत को मैं समझता हूँ। ये तुम्हारे लिए नया अनुभव है। गरीबी के कारण तुमने उस बच्चे का भार उठाया, तो भी तुम्हारी मातृत्व की भावना का मैं सम्मान देता हूँ, परंतु कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हूँ। भगवान ने जिसे बच्चा नहीं दिया, उसे तुमने दे दिया। तुम एक भगवान की तरह हमेशा उनके मन में रहोगी। अभी तुम्हारा शरीर कमजोर है, रोना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। डॉक्टर ने सांत्वना देने पर हाथ में रुपयों के साथ खड़े श्रीकांत की आंखों में भराई और फूट फूट कर रो रही शालिनी को गले लगाकर तसल्ली दी। कहानी समाप्त हो गई और आप लोगों ने सुना। इंटरनेट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी के कारण मैं अच्छी तरह से सुना नहीं पाई, जिसका मुझे अफसोस है। अभी 47 तो हो गए हैं, अभी थोड़ी ही से देर है, अब इसमें कोई कहानी तो हो नहीं सकती है। मैंने 65 साल के बाद ही जो है लिखना वगैरह शुरू किया था और सब काम अच्छा चल रहा था। आज इंटरनेट ने बहुत गड़बड़ कर दी, इसलिए अच्छी तरह से हो नहीं पाया। आप लोगों को नमस्कार, मैं बंद करती हूँ।